हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि भाई हम अपनी जो व्हाट्सएप है वहाँ पे चैट्स को कैसे लॉक कर सकते हैं। भाई चैट्स को लॉक करने का फायदा ये होता है कि आप अपनी जो पर्सनल चैट्स हैं, ठीक है, उनको आप लॉक कर सकते हो, जो आप चाहते हो किसी को ना दिखाई दें। तो आपका फोन कोई देख भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो चैट्स हैं वो लॉक हो जाएंगी। तो कैसे लॉक करना है भाई, यही आज आपकी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। पहले सबसे पहले पर ये आपको ऑप्शन जब ही मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ऐप को भाई अपडेट करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर ओपन कर लें और उसमें भाई अपना सर्च कर लें यहाँ पर व्हाट्सएप, ठीक है। तो व्हाट्सएप यहाँ पे सर्च करके और उसको अगर आप में अपडेट दिखाता है, देखो जैसे मेरे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है ना, अगर आपके में भाई ओपन का ऑप्शन नहीं आता, अपडेट का ऑप्शन आता, तो अपनी ऐप को अपडेट कर लेना है। और ऐप्स को अपडेट भाई करके ही रखना है, हर 15 दिन में, एक महीने में, जब भी टाइम मिले तो अपनी ऐप्स को आपको अपडेट करके रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं व्हाट्सएप ऐप के ऊपर, ऊपर मतलब व्हाट्सएप ऐप के अंदर चल लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ऐप के अंदर चलते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे हमसे कुछ सेटिंग्स मांग रहा है जो हम कर लेंगे बाद में। तो भाई सबसे पहले जैसे देखो ये वाली चैट है, ठीक है, तो मुझे इसको, ये रिलायंस जियो की है, इसको मुझे अगर करना है, इसमें लॉक लगाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करते भाई देखो सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा चैट लॉक का, ठीक है, सबसे नीचे तो नहीं है। तो चैट लॉक का ऑप्शन आपको जैसे ही दिखेगा आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे कीप दिस चैट लॉक्ड एंड हिडन, ठीक है, ये लॉक भी हो जाएगी और ऐप जो है, मतलब ये चैट जो है हाइड भी हो जाएगी। तो लॉक दिस चैट विद फिंगरप्रिंट, ठीक है, फिंगरप्रिंट का इसलिए क्योंकि मेरे में फिंगरप्रिंट है, अगर आपके में फिंगरप्रिंट नहीं है तो आपका वैसा लॉक भी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे बस यहाँ से ऑन कर देना है, उसके बाद मेरा फिंगरप्रिंट मांगेगा। अब यहाँ से देखो दिस चैट इज लॉक्ड नाउ, यू कैन फाइंड लॉक इन द चैट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से इसको कर दिया भाई, ये बंद क्यों हो रहा है, ठीक है, तो इसको व्यू कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो ये हमारी चैट लॉक हो चुकी है, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको ये चैट जो है दिखाई नहीं देगी, यहाँ से वो लॉक हो चुकी है। अब आपको देखना कैसे है, ठीक है, अगर आप इस जो भी आपकी चैट्स को आप लॉक करोगे ना तो आपको दिखेगी कैसे, देखो आपको स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा लॉक्ड चैट, ठीक है, जब हम बैक करके आते हैं ना, जब खोलते हैं तो हमको ऑप्शन दिखाई नहीं देता, देखो वो हाइड रहता है, तो उससे आपको किसी को अगर चेक भी करेगा तो पता नहीं कि वो हाइड रहता है। जब तक स्क्रीन को नीचे नहीं करोगे तब तक लॉक्ड चैट नहीं दिखाई देगी। ये देखो जब दोबारा इस पर आपको अपना फिंगरप्रिंट या जो भी आपका लॉक है, देखो अब यहाँ से हो चुका है। अब यहाँ से भाई देखो ये खुल जाएगी, ये यहाँ से चैट खुल चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप लॉक कर सकते हो। देखो दूसरी चैट को भी लॉक करते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करोगे भाई ये देखो, अब इसके अंदर देखते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे चैट लॉक का ऑप्शन दे रखा है ना, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको भी लॉक कर देते हैं। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दिया इसको हमने। अब उसके बाद यहाँ से चैट ये भी लॉक हो चुकी है, ठीक है। अब हमने यहाँ से दो चैट्स को लॉक कर दिया, देखिए। अब यहाँ पे अब इसको बैक करते हैं, अगर यहाँ से बैक जाएंगे फिर दोबारा ओपन करेंगे तो अब खाली हमें यहाँ पे एक दिख रही है और हमें देखनी है दूसरी। तो ये देखो लॉक्ड चैट का ऑप्शन आ गया, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे फिर हमारा ऑप्शन वो लॉक मांगता है, बिना लॉक के भाई खुलेगी। अब दोनों ऐप यहाँ पे मतलब चैट जो है लॉक हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इनको हटाना है तो दोबारा भाई हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर क्लिक करके, और यहाँ से जो है ये देखिए चैट लॉक ऑन हो चुका है। देखो यहाँ पे ऑन दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको दोबारा आपको करके और यहाँ से इसको पासवर्ड अपना डाल के या फिंगरप्रिंट ला के अब इनको फिर हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरी चैट को फिर दोबारा खोल लेते हैं, इसको भी चलते हैं और इसके ऊपर भी यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से जाके इसको भी भाई कर देते हैं, ये भी ऑन है, इसको भी ऑफ कर देते हैं, यहाँ से फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। अब हमने दोनों जो लॉक करी थी दोनों हटा दिए, ठीक है ना। अब हमको दोबारा से यहाँ पे दिखने लगी। तो इस तरीके से भाई आप अपनी चैट्स को लॉक और हाइड कर सकते हो, ये सबसे मस्त वाला है। पर उसके लिए सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो अपनी ऐप्स को एक बार अपडेट कर लेना, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।